सोने की तरह सजाया, हीरे भी लगवाए, पर मोदी ने कहा हम नहीं करेंगे सवारी। मोदी के एक फैसले से भारतीय सेना की नेपाल चीन पर बहुत बड़ी जीत हासिल। चीन भारतीय एयरबेस को बना रहा था निशाना, मोदी ने ध्वस्त कर दी प्लानिंग। सोने का ताजमहल बना लीजिए, उसे हीरो से सजा दीजिए और जिसे आप दिखाना चाहते थे वो ये कह दे कि ये तो चीनी माल है, हम नहीं आएंगे, तो फिर सोचिए चीन का हाल क्या हुआ होगा। नेपाल में जो एयरपोर्ट चीन ने बनाया, वहां नेपाल भारत के पीएम को बुला रहा था। मोदी ने पहले ही कह दिया वहां जाना तो दूर, उस जमीन पर हम कदम तक नहीं रखेंगे। कुछ दिनों पहले मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि चीनी अधिकारी नेपाल पर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को घेरा जा सके। उस वक्त पीएम मोदी फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क दौरे पर थे। उसी दौरान पीएम मोदी का प्लान बना कि नेपाल जाएंगे। नेपाल सरकार मोदी के स्वागत की तैयारी में जुट गई, लेकिन मोदी नाराज हो गए। वो क्यों, जरा समझिए। जब भारत पे कांग्रेस की सरकार थी तब चीन नेपाल में एक एयरपोर्ट बना रहा था जिसका नाम है भैरवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैरानी की बात यह है कि ये भारत की सीमा से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। जब कभी भारत और चीन में युद्ध जैसे हालात होते तो चीन इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता था। नेपाल में यह एयरपोर्ट कई सालों से बन रहा था। तब भारत में कांग्रेस की सरकार थी जिसे इस बात की चिंता नहीं थी कि भारतीय एयरबेस के नजदीक चीन क्या कर रहा है। दरअसल गोरखपुर में भारतीय वायुसेना का एयरबेस है और गोरखपुर से 6 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा में चीन द्वारा बनाया एयरपोर्ट भैरवा तैयार हो गया है। उधर एयरपोर्ट तैयार हो रहा था, इधर भारत में मोदी सरकार बन रही थी और फिर चीन और नेपाल की किस्मत फूट गई। लाखों करोड़ों से बना भैरवा एयरपोर्ट अब भूतिया एयरपोर्ट में तब्दील हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने साफ कहा हम इस एयरपोर्ट को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन आगे जो हुआ वो असल में गजब का खेल है। नेपाल चाहता था पीएम मोदी की होने वाली नेपाल यात्रा के दौरान पीएम का विमान भैरवा एयरपोर्ट पर लैंड करे, लेकिन मोदी सरकार ने मना कर दिया। बोले हम आएंगे भी, विमान उतारेंगे भी, लेकिन भैरवा एयरपोर्ट पर कतई नहीं, क्योंकि ये तो चाइना का माल है। पीएम मोदी का विमान भारत के बोधगया एयरपोर्ट पर उतरेगा और वहां से पीएम मोदी सेना के हेलीकॉप्टर से भैरवा एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर लुम्बिनी में उतर जाएंगे और ऐसे में ये भारतीय वायुसेना की एक बड़ी जीत हो जाएगी। ये भारत की जीत इसलिए है क्योंकि जिस एयरपोर्ट को चीन ने अपने सैन्य ताकत में शामिल करने के इरादे से बनवाया उसे भारत ने ठेंगा दिखा दिया और समझा दिया दोबारा ऐसी गलती मत करना। चीन की चाल में भारत नहीं फंसने वाला है, वो भी मोदी राज में तो कतई नहीं। दरअसल 1989 से 2015 तक की बात करें तो ये बदलाव साफ नजर आता है। 2008 के बाद चीन ने नेपाल के साथ संबंधों पर काम करना शुरू किया। आज वो पूरे हिमालयन क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। पिछले दिनों नेपाल में जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार थी तब उनकी नजदीकियां चीन से बढ़ने लगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से लेकर भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी ने भी कई बार रिश्तों को तल्ख कर दिया। हालांकि केपी शर्मा ओली के हटने के बाद जब से शेर बहादुर देउवा के हाथ में नेपाल की कमान आई है तब से रोटी बेटी का संबंध निभाने वाले भारत और नेपाल के रिश्ते पहले जैसे होते दिख रहे हैं। भारत में कई नेपाली छात्र पढ़ाई करते हैं। भारत ने हमेशा से नेपाल की हर मुसीबत में मदद की है। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध भले अच्छे रहें या खराब रहें, लेकिन नेपाल और भारत के आम लोगों के संबंध हमेशा से बेहतरीन रहे हैं। दोनों देशों का सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हमेशा कायम रहा है। नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। अब चीन को झटका लगा है तो नेपाल ने भी बड़े भाई भारत का साथ निभाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओली की सरकार जाने के बाद से नेपाल को समझ में आ गया कि चीन की गुलामी करने से बेहतर होगा भारत को बड़ा भाई मानना, क्योंकि दुनिया में भारत जिसे भी भाई कहता है उसके लिए भाई की तरह रिश्ता भी निभाता है। चीन पर जिसको भरोसा हो वो श्रीलंका का हाल देख ले। स्पेशल डेस्क, ग्लोबल भारत।